नमस्कार, आज मैं बनाने वाली हूँ पोहे और ब्रेड से पकौड़ा। ठंड बारिश का मौसम है तो शाम के समय है तो कुछ चाय के साथ हो जाए, तो मैं जा रही हूँ पकौड़ा बनाने ब्रेड और पोहे को। तो सबसे पहले हम स्लाइसेस इस तरीके से हम तोड़ लेते हैं, अब इसको हम पीस लेते हैं। तो मैं टुकड़े टुकड़े मैंने ब्रेड को भी हम दरदरा पीस लेते हैं। अब मैंने पोहे को भी दरदरा पीस लिया है, तो मैंने ब्रेड को पीस लिया है। इसमें सभी को क्रंच को डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ, हरी मिर्च पर डाल देती हूँ। आप तीखा पसंद करें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। मैं बारीक प्याज काट के रखा था, एक उसको भी इसमें डाल देता हूँ। थोड़ा सा इसमें हम जीरा डाल देते हैं। जीरा इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। आप अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा दरदरा लाल मिर्च, आप इसको भून के भी इसको हाथ से दरदरा कर सकते हैं, करके इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल दो चम्मच, एक दो चम्मच। और अच्छी तरह से इसको हम भून लेते हैं, इसका डो बना लेते हैं अच्छी तरीके से। और पानी डाल रहे हैं। मैंने डो बना लिया है, इसमें मात्र 5 चम्मच पानी लगा है। और आप चाहे तो चूरा को, पोहे को भिगो के भी पी सकते हैं। अगर आपके पास पोहे नहीं है तो आप कच्चे चावल को भी पीस के दरदरा आप बना सकते हैं पकौड़ा। तो चलिए, हमारा ये डो तैयार हो चुका है। अब इसमें हम छोटा छोटा लोई ले लेते हैं इस तरीके से, जैसे हम आटे को लोई लेते हैं उस तरीके से हम ले लेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल रख लिया, कोई सरसों तेल या रिफाइंड कोई भी तेल में फ्राई कर सकते हैं। सारे मैंने बॉल्स बना लिए हैं, तेल हमारा हो चुका है गर्म। अब इसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा हम डाल कर देते हैं। तेल गर्म है, तेल गर्म बिल्कुल हो चुकी है। इसमें हम जो बनाया है बॉल्स उसको हम इसमें डालेंगे। अब इसको हम फ्राई करके, गोल्डन फ्राई करके हम निकालेंगे। अच्छी तरीके से हम सभी को पलट लेते हैं। आपके पास धनिया है या जो भी है, नहीं भी है तो चलेगा। मेरे पास जो था वो मैंने डाल दिया है इसमें। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। ब्राउन होने तक हम इसको वेट करते हैं। ये देखिए, हमारा ब्रेड और पोहे का पकौड़ा कितना बढ़िया, कितना सुंदर बनकर तैयार है, और साथ में चाय है। तो चलिए, तो आप इसे बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।